जय हिंद दोस्तों दोस्तों आज की जो वीडियो है ना इसका जो सजेशन है या फिर कह सकते हैं इसका जो क्वेश्चन है वो आया है मिस्टर राहुल दिल्ली वालों दिल राहुल दिल वाले भाई की तरफ से सो so, इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि भैया डी ए सी यानी कि डैक क्या होता है एंड इसका यूज क्या है और क्या इसे लेने से कोई फायदा होता है और मैंने कुछ इंटरनेट्स पर देखा है कि जो एम्पलीफायर मिलते हैं वहां पर लिखा हुआ आता है कि इसमें डैक भी दिया गया है तो अगर डैक बीच में दिया गया है तो क्या हमें तब भी एक्सटर्नल डैक लेना पड़ता है या लेना चाहिए मतलब ये उसने नहीं पूछा ये वाला क्वेश्चन मैंने खुद छोड़ दिया बीच में कि आपको वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए सो थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो को कि इस वीडियो के अंदर हम ये चर्चा करेंगे कि भैया डैक होता क्या है क्योंकि मोस्टली लोगों को पता होगा बट बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्हें ना पता हो कि डैक क्या होता है एंड इसका काम क्या होता है और इसे लगाना सही रहता है या नहीं रहता है कोई फायदा वायदा भी होता है या नहीं होता है और अगर आपके एम्पलीफायर में पहले से ही डैक दिया गया है तो आपको एक्सटर्नल डैक की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है तो इन सभी टॉपिक्स की ही चर्चा करेंगे हम आज की इस वीडियो के अंदर और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप एक डैक लेने जा रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है कौन सा वाला डैक आपके लिए सही रहेगा आपने क्या देखना है डैक को लेते समय तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऑडियो गुरु एंड ऑडियो गुरु चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं डैककी की डैक होता क्या है अब यहाँ पे डैक जो है ये डैक है डी ए सी डैक नहीं है यानी कि वो कैसेट वाला डैक नहीं है ये डैक है डी ए सी जिसका कि मतलब होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर हम म्यूजिक सुनने के लिए काफी अलग अलग डिवाइसेस का यूज करते हैं हम सी प्लेयर का यूज़ करते हैं या आप कंप्यूटर या लैपटॉप का यूज कर रहे हैं या फिर आप अपने स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं म्यूजिक को सुनने के लिए तो ये जो डिवाइसेस हैं ना इनके अंदर जो गाने हैं जो कि आपने इसमें सिद्धू वाला डाला हुआ है वो सिद्धू वाला जो है वो एक्चुअल में गाने तो नहीं है वो एक डेटा है नंबर्स हैं वो अब इन नंबर्स को तो हम सुन नहीं सकते हैं सो so, इन्हें सुनने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसे हम डैक कहते हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर यानी कि इसका मेन जो काम है जो कि इसके नाम से ही पता लगता है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना बट यहाँ पर बात यही खत्म नहीं होती है इसकी इसके बाद काफी सारी ऐसी बातें और भी हैं जो कि हमारे लिए जानना जरूरी है अब यहाँ पर हम अगर सिग्नल पाथ की तरफ नजर डालते हैं कि हमारा जो सिग्नल होता है वो किस तरीके से हमारे कानों तक पहुंचता है जो आप सिद्धू मूसे वाला सुनते हो और नाचते हो तिरकते हो जिसके ऊपर वो डायरेक्टली हमारे कानों तक हमारी सोर्स डिवाइस से नहीं पहुँच पाता है अगर हम इस चेन की बात करते हैं तो सबसे पहले एक सोर्स चाहिए होता है वो सोर्स कुछ भी हो सकता है आपका टीवी भी हो सकता है आपका मोबाइल फोन भी हो सकता है आपका सी प्लेयर भी हो सकता है कंप्यूटर या लैपटॉप भी हो सकता है तो सोर्स से जो सिग्नल है या फिर जो डिजिटल डाटा है वो हमारे डैक में जाता है डैक उस डेटा को कन्वर्ट करता है एनालॉग फॉर्म के अंदर एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो हमारे प्री एम्पलीफायर में जाता है प्री एम्पलीफायर के बाद वो जाता है पावर एम्पलीफायर में पावर एम्पलीफायर के बाद वो क्रॉस ओवर में जाता है क्रॉस ओवर के बाद जाता है वो हमारे स्पीकर्स के अंदर और स्पीकर्स से जाता है हमारे कानों के अंदर और हम बल्ले बल्ले करना शुरू कर देते हैं तो इस तरीके से म्यूजिक ट्रेवल होता है अब बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो कि डी ए सी यानी कि डैक वर्ड का यूज करती हैं बट इसी के साथ साथ में कई जगह पर आपको डैक की जगह डी टू ए लिखा हुआ मिलेगा अब ये जो दोनों नाम है ये सिर्फ दो अक्षर हैं इनका जो मतलब है वो सेम है कोई कंपनी से कुछ बोल देती है और कोई कंपनी से कुछ बोल देती है इसका मतलब एक ही है यानी कि आप कहीं पर पढ़ो तो आप कंफ्यूज ना हो ना ये एक ही चीज है दोनों अब आप जो भी सोर्स डिवाइस को यूज कर रहे हैं ना उन सभी के अंदर इन बिल्ट डैक लगा हुआ आता है आप अपने जो टीवी की आवाज सुनते हैं जो टीवी के स्पीकर हैं उनमें जो आवाज आती है वो भी डैक से होकर ही आती है जब आप अपने लैपटॉप को या फिर अपने पीसी को ऑक्स वायर लगाकर अपने एम्पलीफायर में लगा देते हो तब भी वो सिग्नल डैक से होता हुआ वायर के थ्रू हमारे एम्पलीफायर के अंदर आता है यानी कि आपके लैपटॉप में आपके पीसी में आपके टीवी में इवन आपके स्मार्टफोन में भी डी यानी कि डैक का यूज किया गया है अगर आप केबल से सिग्नल को ट्रांसफर कर रहे हैं अगर आप ब्लूटूथ का यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपके फोन का जो डैक है वो इस्तेमाल नहीं होता है ब्लूटूथ से डिजिटल सिग्नल ही आगे ट्रेवल होता है वायरलेसली और उसे डिकोड करने के लिए या तो आपके एम्पलीफायर या स्पीकर्स के अंदर इनबिल्ड डैक होना चाहिए अगर नहीं है तो उससे पहले आपको एक डैक लगाना पड़ता है तभी वो सिग्नल ऑडियो में कन्वर्ट होकर आप तक पहुंच सकता है अभी ये जो डैक है ना ये भी दो तरीके के होते हैं एक डैक आते हैं आर टू आर यानी कि रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस ये जो है ये काफी पुरानी टेक्नोलॉजी है बट आज भी स्टिल वर्किंग में है अभी तक भी बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि आर टू आर डेक्स को बनाते हैं जैसे कि डेनाफ्रिप्स दूसरी जो टेक्नोलॉजी है वो है आईसी बेस्ड अब यहां ये क्वेश्चन शायद हो सकता है कि आपके माइंड में आए कि भैया इन दोनों में से सही कौन सा है बढ़िया कौन सा होता है तो ये एक बड़ी लंबी चौड़ी कॉन्ट्रोवर्सी है तो हम इसमें ना पढ़े तो अच्छा है क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि आर टू आर ज्यादा अच्छे होते हैं और कुछ लोगों का कहना है कि चिप वाले डेक ज्यादा बढ़िया होते हैं अब मैंने तो दोनों यूज कर, कर देखे हैं मुझे दोनों ही सही लगे हैं यार सो so, इस बात को हम अभी छोड़ देते हैं कि इन दोनों में से आपने कौन सा लेना है एंड जैसा कि उन्होंने अपने क्वेश्चन में भी पूछा है कि काफी सारे एम्पलीफायर्स ऐसे हैं जिनके अंदर की इन डेक दिया गया है सो so, क्या हमें उसी डैक को इस्तेमाल करना चाहिए या फिर हमें एक्सटर्नल डैक लगाना चाहिए अगर लगाना चाहिए तो क्यों लगाना चाहिए बाकी आप एवीआर का अगर यूज कर रहे हैं तो देखिए ए तो जितने भी अभी आ रहे हैं लेटेस्ट उनके अंदर आपको सभी में डैक इन ही मिलेगा अगर आपके ए के अंदर एच डी कोएक्सल या फिर ऑप्टिकल का इनपुट दिया गया है इसका मतलब है कि उसके अंदर आपको इनबिल्ट डैक मिलता है अब क्वेश्चन फिर से वही आ जाता है कि यार जब मिलता है तो भैया एक्सटर्नल डैक का इस्तेमाल किस लिए करना है क्यों पैसे खराब करवा रहे हो हमारे तो बात बिल्कुल सही है कि अगर आपके एम्पलीफायर या आपके एवीआर में इनबिल्ट डैक दिया गया है तो आपको एक्सटर्नल डैग खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है अगर आप एक बिगनर हैं या फिर आप एक ऑडियो पिल कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं आपने सुनने अगर सिद्धू मूसे वाले के गाने तो आपको एक्सटर्नल डेक लगाने की जरूरत नहीं है अगर आपको चाहिए है एक अच्छी क्वालिटी आप अपने एक्जिस्टिंग सिस्टम से सेटिस्फाइड नहीं हैं कि आपको जो क्वालिटी चाहिए वो आपको अगर नहीं मिल रही है तो आपको एक्सटर्नल डेक लगाने की जरूरत पड़ती है अब आप कहोगे क्यों भाई डेक आपको एक हजार रुपए में भी मिल जाता है और कई लाखों में भी मिलता है अब अगर इनके प्राइस में फर्क है तो जाहिर सी बात है कि भैया क्वालिटी में कुछ ना कुछ तो ये करता ही होगा अब हजार रुपए वाला और लाखों रुपए में आने वाला डैक एक जैसा तो होगा नहीं जो डैक सस्ते में आते हैं जो हजार बारह सौ रुपए के आपको आई थिंक एमेजोन पर भी देखने को मिल जाएंगे वो सिर्फ अपने नाम की इज्जत रखते हुए डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट कर देते हैं इसके अलावा वो और कोई काम नहीं करते हैं बट अगर आप एक प्रीमियम सेगमेंट में जाते हो एक्सटर्नल डेक अगर अच्छी कंपनी का लेते हो तो वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में तो कन्वर्ट करता ही करता है पर साथ में आपके साउंड की क्वालिटी को भी काफी हद तक इंक्रीज कर देता है नॉइस को रिड्यूस करता है आपको एक क्लीन एंड अच्छी ऑडियो प्रोवाइड करता है सो so फ्रेंड्स इसी तरीके से जो हमारी और डिवाइसेस होती है यानी कि जो स्मार्टफोन है हमारे या जो टीवी है एंड जो सी डी प्लेयर्स है उनमें जो इनबिल्ट डैग दिए गए होते हैं वो भी कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं अगर आप एक ऑडियो पिल लेवल पर जाते हो मगर यहाँ पर मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आपको एक इनबिल्ड डैक और एक अच्छे प्रीमियम क्वालिटी के एक्सटर्नल डैक के अंदर फ़र्क का तभी पता चलेगा कि अगर आपकी बाकी की जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं वो भी एक हाई क्वालिटी की हैं तो क्योंकि घड़ी को आप सहरा पहना दोगे तो वो घोड़ी नहीं बन सकती इसलिए अगर आपके पास में काफ़ी अच्छे इक्विपमेंट्स हैं तब आपको एक्सटर्नल डैग लगाने से जो बेनिफिट है वो महसूस होगा अगर नहीं तो आपको कोई भी फर्क महसूस नहीं होगा और यहाँ आपको मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है जो एवीआरस में और इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर्स के अंदर इन डेक आ रहे हैं उनकी टेक्नोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दी गई है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हमें उन डेक से भी मिल जाती है सो so, वही वाली बात आ जाएगी कि अगर आप बिगनर हैं तब आपको जरूरत नहीं है अगर आप एक बहुत ज्यादा ऑडियो पिल टाइप के बंदे नहीं हो तब भी आपको उसकी जरूरत नहीं है बट अगर आप एक ऑडियो पिल बंदे हो कि भैया हमें तो एक सुई गिरे अगर उसकी भी आवाज आनी चाहिए तो आपको एक्सटर्नल डेक लेना पड़ेगा और यहां मैं आपको ये भी कहूँगा कि अगर आप एक एक्सटर्नल डेक लेने के बारे में सोच भी रहे हो तो आपने डेक को लेने का जो आपका विचार है उसको बिल्कुल लास्ट में रखना है पहले आपने अपने बाकी के इक्विपमेंट्स जो हैं आपके स्पीकर्स हैं आपके एम्पलीफायर्स हैं या प्री एंड पावर है या फिर आपकी जो सोर्स डिवाइस है उसे इम्प्रूव करना है अगर आपके पास अप टू डेट हाई क्वालिटी की आइटम्स हैं बाकी की तब आप एक्सटर्नल डेक को लेने के बारे में सोचें वरना पहले उन्हें अपग्रेड करें और डैक को सबसे लास्ट में लें सो चलो अब हमें यह तो पता लग गया कि डैक लेना है या नहीं लेना है वो आपके ऊपर है आपको पता है आप किस टाइप के बंदे हो तो आपको खुद को पता लग गया होगा कि आपको लेने की जरूरत है या नहीं है और मुझे कमेंट करके अगर बता भी दोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि आपका क्या कहना है इस बारे में सो आप अगर फैसला करते हो कि भैया हम तो एक्सटर्नल डैक लेना चाहते हैं तो अब बात हम करते हैं कि एक डेक को परचेज करते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है सो so कुछ बातें मैं आपको यहां पर बताने हूं जिन्हें ध्यान में रखना है आपने एक डेक को परचेज करते समय सबसे पहले तो आपने कनेक्टिविटी ऑप्शन को देखना है उसे अपने सोर्स डिवाइस से और आउटपुट डिवाइस से मैच करना है कि आपके पास जो सोर्स डिवाइस है उनमें जो आउटपुट दी गई है वो कौन सी दी गई है और आप जो डैक ले रहे हैं उसके अंदर वो वाली इनपुट है या नहीं है सपोज करिए आपके पास एक सीडी प्लेयर है जिसके अंदर कोएक्सल आउट दिया गया है अब आप जो डैक खरीदेंगे उसमें आपको कोएक्सल इनपुट का होना जरूरी है अगर आपके सी प्लेयर में ऑप्टिकल दिया गया है तो आप जो डैक लेने जा रहे हैं उसके अंदर ऑप्टिकल इनपुट का होना जरूरी है वैसे तो जितने भी डैक आजकल आ रहे हैं उनके अंदर आपको सभी इनपुट्स मिल जाते हैं यानी कि आपको उसमें एस का इनपुट भी मिल जाता है आई स्क्योअर टू का भी इनपुट मिल जाता है आपको कोएक्सल एंड ऑप्टिकल का भी इनपुट मिल जाता है साथ ही साथ यूएस का भी इनपुट आपको मिल जाता है बट फिर भी आपने इस बात का जरूर ध्यान रखना है सो सेकेंड चीज जो आपने ध्यान रखनी है वो रखना है सैंपल रेट यानी कि आप जो डैक परचेज करने जा रहे हैं उसका सैंपल रेट क्या है आप जब कोई भी डैक परचेज करेंगे तो आपने सैंपल रेट देखना है सैम्पल रेट जितना ज़्यादा हाई दिया गया है उतना ज़्यादा अच्छा है सेकेंड चीज़ आपने देखनी है एस एन आर यानी कि साउंड टू नॉइस रेशो अब ये जो रेशो है ये जितनी हाई होगी उतना अच्छा है इसका मतलब क्या है कि आपके डेक में जो डिस्ट्रॉशन आएगी वो कितने डीबी पर जाकर आएगी मान लेते हैं कि आप एक डेक परचेज कर रहे हैं जिसमें एस एन आर वन हंड्रेड एंड टेन डी दिया गया है और एक दूसरा कोई डेक है जिसमें की एस दिया गया है 80. सो so आपने 80 डी वाला नहीं लेना है आपने वो डेक लेना है जिसमें की 110 हंड्रेड का एसएनआर आपको दिया गया है यानी कि आप जब 110 सौ तक पहुंचते हो तब आपको डिस्ट्रोक्शन फील होना शुरू होगा और 110 सौ दस डीबी बहुत ज्यादा लाउड होता है तो इतनी लाउड आप नहीं जाओगे तो वो डिस्ट्रोक्शन हमें नहीं मिलेगी सो तो आपने ध्यान रखना है कि एस एन आर जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है देन उसके बाद आपने ध्यान देना है इसकी सपोर्ट पर कि किन किन फॉर्मेट्स को आपका डेक सपोर्ट करता है बहुत सारे म्यूजिक के फॉर्मेट्स हमें मिलते हैं, लॉसलेस म्यूजिक मिलता है एंड आजकल एमक्यू का जमाना है तो एमक्यू भी मिलता है सो so, अभी के टाइम पे जो फॉर्मेट चल रहे हैं आपका जो डेक है उन सभी को सपोर्ट करता हो देन इसके बाद आ जाता है हमारा रेजोल्यूशन तो इसका मतलब क्या है पहले मैं आपको वो बता देता हूं आपका जो डेक है वो कितनी नॉइस को टॉलरेट कर सकता है एंड डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए जो यानी कि जो रिप्रोडक्शन वो कर रहा है वो कितनी कर सकता है तो ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा है एंड अगली चीज का आपने ध्यान रखना है कि उसके अंदर चिप कौन सी लगी हुई है अब चिप्स के ब्रांड भी अलग अलग आते हैं और उनके मॉडल्स भी अलग अलग आते हैं और साथ ही साथ किसी में सिंगल चिप का यूज़ किया गया होता है किसी किसी डेक्स के अंदर दोनों चैनल्स के लिए सेपरेट डेक की चिप लगाई गई होती है तो अगर ये चिप अलग लगी गई है यानी कि लेफ्ट के लिए अलग लगाई गई है और राइट के लिए अलग लगाई गई है तो वो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहता है और अगर अभी बात करते हैं कि किस किस ब्रांड की चिप्स आमतौर पर हमें देखने को मिलती हैं सो यहाँ पर आपको ए के एम की चिप भी देखने को मिल सकती है बर ब्राउन की चिप मिल सकती है सी मीडिया की चिप भी मिल सकती है साइरस लॉजिक की चिप मिल सकती है ई एस एस की चिप भी आपको मिल सकती है और एंड क्वाल की चिप भी आपको देखने को मिल सकती है इसी के अलावा रियल टेक की चिप्स का भी यूज किया जाता है बट इनका यूज लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर के अंदर आमतौर पर किया जाता है अब बात आ जाती है कि भाई कौन सा डेक खरीदे और उसमें कौन सी वाली चिप लगी हुई हो तो अच्छी बात है तो यहां पर देखिए अभी के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो ई की चिप काफी ज्यादा अच्छी है जो ई इसमें साइबर डेक आता है तो उनकी परफॉर्मेंस जो है काफी अच्छी है डेनन और मरांस ने भी इसी का यूज करना शुरू कर दिया है फिलहाल के अंदर और एंथम जैसे जो बड़े ब्रांड्स हैं काफी हाई एंड ब्रांड्स हैं ये ए के एम की चिप को यूज कर रहे हैं सो so जो ए के एम की चिप है ना ये काफी ज़्यादा अच्छी मानी गई है बट इनका यूज मोस्टली जो है वो एवीआरस के अंदर ही किया जा रहा है अगर आप एक एक्सटर्नल डैक ले रहे हैं तो उस डैक के अंदर ईएसएस की चिप अगर लगी है तो वो काफी हद तक सही है बाकी अगर आप आर टू आर ले रहे हो तो उसमें कोई कोई ऐसा चक्कर ही नहीं है आर आर टू डैक आप अच्छा कोई भी ले सकते हो सो so पर मैं फिर से आपको बोलना चाहूंगा कि जो एक्सटर्नल डैक्स आते हैं ना वो काफी कॉस्टली होते हैं अगर एक अच्छा डैक आप परचेज करने जा रहे हो कुछ डैक आते हैं सस्ते वाले भी अभी मैंने एमेजोन पर भी एक डैक देखा था जो कि आठ रुपए के आसपास का था उसके रिव्यूज जो है काफी अच्छे आए हुए थे बट मैंने उसको कभी चेक नहीं करा बट मैं सोच रहा हूँ कि एक बार उसको ट्राई किया जाए एक बार मैं मंगवाऊंगा ट्राई करूंगा उसकी वीडियो भी बनाकर आपको दिखाऊंगा और बता दूंगा आपको कि भाई ये जो सस्ते वाला डैक मिल रहा है वो लेना सही है या नहीं है तो मैं उसे मंगवाऊंगा ऑर्डर करूंगा उसे अमेज़ोन पर ही मिल रहा है वो तो मंगवा उसका भी रिव्यू हम करेंगे जिससे कि पता लग जाएगा कि बजट के अंदर अगर हम डैक लेना चाहें तो ये डैक ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं सो मेरे हिसाब से अभी आपको डैग के बारे में जो भी जानकारी है वो क्लियर हो गई होगी तो आपने डैक लेना है या नहीं लेना है वो आपका फैसला है मैंने अपना काम पूरा कर दिया है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को शेयर कीजिएगा आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है यार और अगर आपके माइंड में भी कोई टॉपिक है कि जिस पर आप चाहते हैं कि वीडियो बने सो वो टॉपिक कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा अगर उस पर वीडियो बन सकती होगी तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं सो इस वीडियो में यही था अभी के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें जय हिंद दोस्तों